पानी बढ़ गया है काफी पानी इन दिनों काफी बढ़ गई है आप रोज टहलते हैं इसमें टहलने वाला पर तो पानी नहीं रहता था नहीं नहीं रहता इधर बढ़ गया आपको दिक्कत हो रही है गंगा नदी में गंगा नदी का जल स्तर है जो अचानक बढ़ गया है अब मैं खड़ा हूँ गंगा नदी के किनारे जहाँ पर लोगों को टहलने के लिए बनाया गया था स्मार्ट सिटी पटना के तहत यह निर्माण हुआ है हालाँकि इस पर भी गंगा का पानी अब आ चुकी है मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर ये यह जो ट्रैक है यहाँ लोग घूमते थे और उसके बाद यह ट्रैक आगे गांधी घाट साइंस कॉलेज उससे होते हुए गुलवी घाट के भी आगे गया था लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस तरह से यह जो ट्रैक है यहाँ से सामने का जो रास्ता है उसके बीच में गंगा नदी का पानी अब भर गया है साफ़ तौर पे देख रहे हैं कि यहाँ से सामने जाने के लिए कैलेट्रियट घाट है और वहाँ पर जो कार्यालय बना था नवामी गंगे का वह भी अब करीब करीब गंगा नदी के जल स्तर वहाँ तक पहुँच चुकी है लेकिन फिर भी बताया जा रहा है कि यह अभी ख़तरे के निशान के आसपास है और गौरतलब है कि इस समय एक तरफ पूरा बिहार सूखे से ग्रस्त है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सूखा ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा भी कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए कि कई नदियों का पानी जो कि कहीं कहीं ज़्यादा बारिश होने के कारण वहाँ के स्थानीय जो नदी हैं उसमें पानी आने के बाद वह पानी जब नदी का भर जाता है तो कहीं ना कहीं से वह गंगा नदी में आकर मिलती है और गंगा नदी का जल स्तर बढ़ जाता है लेकिन जहां बारिश नहीं होती है वहां पर सूखे की स्थिति देखी जाती है साफ़ तौर पे आप देख रहे हैं कि इधर का जो ट्रैक है यहाँ तक लोग घूमने तो आ रहे हैं लेकिन यहाँ के बाद जो है घूमने वाले लोग वापस यहाँ से लौट जाते हैं क्योंकि साफ तौर पे देख रहे हैं कि जो यह ब्रिज बना है और यह जो ब्रिज है कुछ महीने पहले ही इसका उद्घाटन भी हुआ था यह रास्ता आगे पी इमरजेंसी वार्ड में जाकर मिलता है और इधर दिखाया जाए तो वह दीघा तक जा कर के मिल जाता है और इसके जो पीलर हैं कहीं ना कहीं से गंगा में जब पानी उतने नहीं भरी होती है तो यह खाली दिखाई देता है लेकिन अभी लगभग 10 से 15 फीट ऊपर यह पानी है जो कि यहाँ पर जहाँ सूखा दिखाई देता था जलमग्न दिखाई दे रहा है तो साफ तौर पे यहाँ देख रहे हैं कि जो लोग सामने से आ रहे हैं उनका भी आने का जो सिलसिला है कहीं ना कहीं से अनजाने में वह आ गए हैं और अब जो है वो ये गंगा का पानी जो यहाँ पर चलने के लिए बनाया गया था उस पर भी आ गया है और लोगों को दिक्कत हो रहा है हम बात करेंगे यहाँ पर सर एक मिनट आप बताइए कितना मुश्किल हो रहा है क्योंकि गंगा नदी में जो है अभी बारिश का जो पानी है या कहिए कि नदियों का उफान जो है आसपास के क्षेत्र के नदी जो है उसके पानी यहाँ है क्योंकि पटना में तो पानी पड़ा नहीं है आपको कितनी दिक्कत हो रही है और कब से ये पानी देख रहे हैं आप तो रोज़ घूमते होंगे ये सर दो तीन दिन से जो है पानी बढ़ा है दो तीन दिन से बढ़ा है अच्छा तो यहाँ पर तो घूमने वाले लोगों को दिक्कत हो रही होगी बहुत है सर बहुत दिक्कत है मॉर्निंग वॉकिंग में तो बनता ही नहीं इधर इतना पानी जो है बढ़ गया है तो साफ तौर तो पे देख रहे हैं कि जो स्थानीय लोग हैं जो टहलते थे लेकिन इस ट्रैक पर अब पानी आ जाने के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है अब देखना होगा मौसम विभाग कई तरह की चेतावनी भी जारी करते हैं लेकिन उस तरह से ना ही बारिश हो पाती है और ना ही कहीं इस तरह से जो किसान आज परेशान है सूखे से उनको कहीं से पानी मिल पाता है और वह सूखा ग्रस्त होकर काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आईकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद